सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। यार तो मार्केट में इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज्यादा जो राज कर रही है वो है टाटा नेक्सॉन ईवी। आप लोगों को पता ही है टाटा की नेक्सॉन जो है ना वो एक लौती ऐसी गाड़ी है जो ईवी के मार्केट को जो है ना मतलब कब्जा करके रखा हुआ है पूरी तरीके से। पर अब जो है ना इसी में जो है महिंद्रा भी जो है ना पीछे नहीं रहने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि महिंद्रा ने जो है ना शोकेस किया था अपने गाड़ी को XUV400 को, तो अब जो है ना इसको लॉन्च भी कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके बारे में कोई प्राइस अभी तक जो है ना सामने निकल के नहीं आई थी। तो अब जो है आनंद महिंद्रा ने जो है ना इसके इंट्रोडक्टिव प्राइस में जो है ना लॉन्च कर दिया यार। बाकी आप लोगों को फीचर्स में अभी आप लोगों को एक बाय एक आप लोगों को मैं बताते रहता हूं, तो आप लोगों ने जो है ना ध्यान से सुनना है। तो इसमें जो फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें ऑल LED लाइट सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे बढ़िया बात ये जो है ना आप लोगों को पूरे के पूरे जो है ना LED सेटअप में आएगी, और 7 इंच का जो है ना आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वाला आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, वो सब कुछ आप लोगों को वैसे ही मिलता ही है आप लोगों को पता ही है। बाकी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात आप लोगों को बताता हूँ, ये जो XUV400 है ना आप लोगों को वही प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आप लोगों को पता है 5-स्टार रेटेड ये गाड़ी है, तो इसमें आप लोगों को उसी से ही ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो इसमें 6 एयरबैग्स आप लोग को मिल जाते हैं भाई। अब देखो कितने ज़्यादा मतलब तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है टाटा के नेक्सॉन को, तो हम देखते रहेंगे कि क्या ये उसको टक्कर दे पाती है या फिर नहीं दे पाती है। बाकी प्राइस भी आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं सबसे ज़रूरी बात इसके बैटरी पैक्स के बारे में। इसमें आप लोगों को 2 बैटरी पैक्स मिलने को मिल जाते हैं, जो है कि एक मिलेगा आप लोगों को 34.5 kWh का आप लोगों को बैटरी मिल जाएगी, और दूसरी जो आप लोगों को मिलने वाली वो मिलने वाली 39.4 kWh की आप लोगों को बैटरी मिलने वाली है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब रेंज क्या देने वाली है ये हमारे को, तो रेंज के बारे में अगर आप लोगों को बता दूं कि रेंज ये आप लोगों को देने वाली है जो 34.5 kWh की बैटरी है ना वो आप लोगों को देगी 375 किलोमीटर्स आप लोग को रेंज निकाल के देगी। वहीं पे जो 39 वाली जो बैटरी आप लोग को देगी वो 456 किलोमीटर्स की रेंज आप लोग को देने वाली है भाई। मतलब खतरनाक कंपटीशन मिलने वाला है यार नेक्सॉन को। अब देखेंगे हम कि क्या सीन होता है आगे। बाकी अगर आप लोग को इसमें ड्राइव मोड्स की बात बता दूं, तो ड्राइव मोड्स में आप लोग को अजीबोगरीब से ड्राइव मोड्स आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग को फन फास्ट और फियरलेस जैसे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप लोग को बता दूं कि वेरिएंट्स कौन कौन से आने वाले हैं इसमें, यार इसमें 2 वेरिएंट्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। एक आप लोग को आएगा XUV400 EC और एक आ जाएगा आप लोग को EL जो टॉप का मॉडल है। बाकी अब प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस आप लोग को शुरुआत में मिलेगी, ये मिलेगी 15.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू होकर ये आप लोग को 18 लाख तक जो है ना ये आप लोग की जाने वाली है। तो प्राइसेस आप लोग ने देख लिए, ये इंट्रोडक्टिव प्राइस है। बाकी जो इसकी बुकिंग्स की बात करें ना अगर, तो बुकिंग्स आप लोग को वही है 26 जनवरी के बाद आप लोग को इसकी बुकिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चाहे तो उसको बुकिंग करा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करा सकते, क्योंकि अब जो है ना मेन मुद्दा यही है कि भाई अब जो ईवी है ना हमारी टाटा की नेक्सॉन अब उसको किस तरीके से कंपटीशन दे पाती है वो हम लोगों ने देखना है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर से जरूर बता देना। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग के मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग को मिलूंगा। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।